तबीयत कैसी है आंटी की? बेहतर है। तुम खुद क्यों नहीं गई उनको देखने? तुम जानते हो वो पसंद नहीं करती मुझे। मॉम को हमेशा से वो हर चीज पसंद है जो मुझे पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं हो सका। स्ट्रेंज। इतने अरसे में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने आंटी की हिमायत नहीं की। अब ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूं मॉम कभी कभी ज्यादती कर जाती है। अब देख लो, ये बात दिल पर लगा बैठी है कि तुमने कहीं कह दी मैं उनका बेटा नहीं। अब ये बात उनके जहन से निकलेगी नहीं। फिक्र नहीं करो तुम, उनके जहन से ये बात मैं निकाल दूंगी इंशाल्लाह। अरूज, क्या हुआ अरूज? सब ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। अब लगता है कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्यों? सब ठीक तो है ना? क्योंकि अब सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा, बात छुपने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुम बैठो, मैं आंटी के पास से होकर आती हूँ। कौन है? मैं हूँ आंटी। तुम यहाँ क्यों आई हो? जी वो एक बात कहनी थी। अब करने को क्या बात रह गई है? रह गया है, सॉरी रह गया था। आई एम सॉरी। तुम अरूज ही हो ना? जी। ओ, तो तुम अपने कहे हुए जुमलों की माफी मांगने आई हो। अधूरे कहे जुमले की। मतलब? मैं तो ये कहना चाह रही थी कि सलमान सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, मेरा शौहर भी है। इस हक को जमाने के चक्कर में जुमला पूरा नहीं कर सकी। आई एम सॉरी। तुम कुछ भी कह लो अरूज, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे सलमान पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें।